पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मालिक हम हैं। सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाका कर दिया अपने दूसरे हफ्ते में और फिल्म ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे फाइटर के 12 दिनों के कलेक्शन के बारे में, पैन इंडिया फिल्म हनुमान के भी 25 दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो सुपरस्टार महेश बाबू की गुंतुर कारम के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इस फिल्म के हिंदी डबिंग रिलीज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म हनुमान के बारे में, प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी सुपर हीरो फिल्म हनुमान, जिस फिल्म का बजट सिर्फ 50 करोड़ रुपए था और फिल्म को सिनेमाघरों में 25 दिन हो चुके और यह फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और फिल्म के दिन पे दिन जो कलेक्शन है वो पूरी तरह से बवाल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, टोटल 5 भाषाओं में रिलीज हुई हनुमान फिल्म ने हिंदी मार्केट से भी ताबड़तोड़ कमाई की है, साथ ही साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो पूरी तरह से बवाल है। अगर बात करें हनुमान फिल्म के 25 दिनों के डिटेल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों हनुमान फिल्म ने अभी तक हिंदी मार्केट से ग्रोस कलेक्शन 56 करोड़ का किया है। वही दोस्तों इस फिल्म का ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन पांचों भाषाओं का 229 करोड़ रुपए हो चुका है और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 63 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ दोस्तों हनुमान फिल्म का 25 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 292 करोड़ रुपए हो चुका है। बता दो दोस्तों हनुमान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें तेलुगु फिल्म गुंटूर कारम के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सुपरस्टार महेश बाबू, श्रीलीला, प्रकाश राज। 150 करोड़ के बजट में बनी गुंटूर कारम फिल्म ने पहले हफ्ते में काफी शानदार कमाई की थी, लेकिन दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते में फिल्म के कलेक्शन काफी ज्यादा ड्रॉप हो गए। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को भी सिनेमाघरों में अब कंप्लीट हो चुके हैं 25 दिन, लेकिन यह फिल्म सिनेमाघरों से लगभग अब पूरी तरह से आउट हो चुके और फिल्म के जो फाइनल कलेक्शन है वो भी सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महेश बाबू की गुंतुर कारम जो कि सिर्फ एक भाषा यानी कि तेलुगु में रिलीज हुई थी, इस फिल्म ने दुनिया भर में 253 करोड़ रुपए की कमाई की। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के हिंदी डबिंग रिलीज के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि गुंतुर कारम फिल्म ऑफिशियली हिंदी मार्केट में रिलीज होने वाली है 9 फरवरी को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 9 फरवरी यानी कि आज से 4 दिन बाद गुंतुर कारम फिल्म नेटफ्लिक्स यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज हो जाएगी। तो जितने भी महेश बाबू के फैंस इस फिल्म का हिंदी में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 4 दिनों बाद आपका इंतजार होगा खत्म, क्योंकि गुंतुर कारम 9 फरवरी को OTT पर हिंदी में रिलीज हो रही है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट बिग बजट फिल्म फाइटर के बारे में, सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म फाइटर, जिस फिल्म में पहली बार हमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की धमाकेदार जोड़ी देखने को मिली थी। 25 जनवरी को रिलीज हुई फाइटर फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 12 दिन। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले वीकेंड में कमाल की कमाई की थी, लेकिन वीकडेज में फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुके थे और सबको लगा था कि भैया अब तो ये फिल्म गई, अब इस फिल्म के कलेक्शन में कोई चढ़ाव उतार नहीं आएगा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फाइटर फिल्म काफी अच्छी मूवी है, जिसके चलते ही फिल्म ने दूसरे वीकेंड में कमाल की कमाई की और साबित कर दिया कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाली नहीं और अभी तो एक हफ्ते ये फिल्म और भी तगड़ी कमाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, 250 करोड़ के बजट में बनी फाइटर फिल्म ने अपने शुरुआती 12 दिनों में जो कमाई की है वो बजट से कहीं ज्यादा हो चुकी है। हालांकि बात करें फाइटर के 12 दिनों के डिटेल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फाइटर फिल्म ने अपने शुरुआती 10 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 165 करोड़ 27 लाख रुपए का किया था। वही 11वें दिन यानी कि दूसरे संडे फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 14 करोड़ 83 लाख रुपए का रहा। हालांकि बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज यानी कि मंडे से वीकडेज फिर से शुरू हो
चुके हैं और आज से फिल्म के जो टिकट रेट्स थे वो भी काफ़ी डाउन हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फाइटर फिल्म को आज जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई और फिल्म की टिकट रेट कम है, जिसकी वजह से फिल्म का 12वें दिन का कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक फाइटर फिल्म अपने 12वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 3,50,00,000 रुपए। और इसी के साथ दोस्तों फाइटर फिल्म का शुरुआती 12 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 183,60,00,000 रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 219 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में 91 करोड़ रुपए टोटल कमाए हैं। और इसी के साथ दोस्तों फाइटर का 12 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 310 करोड़ रुपए हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 310 करोड़ की कमाई कर चुकी है और आने वाले समय में शायद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 350 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। हालांकि देखते हैं कि आने वाले समय में फाइटर का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, फाइटर फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।